फ्रेंड्स, आप भी एक फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स गेम खेलते हो अपने स्मार्टफोन में, बट गाइस जैसे ही गेम ओपन करते हो तो आपके सामने देखो गाइस ऐसा लॉगिन फेल्ड बता रहा है या फिर लॉगिन का एरर आ जाता है। देखो गाइस नेटवर्क कनेक्टिंग एरर, वो सब एरर आ जाते हैं गाइस, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है गाइस। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं गाइस, मैं आपको इस वीडियो में पूरा गाइस जीरो से कैसे, देखो गाइस मेरे में भी अभी प्रॉब्लम बता रहा है, तो गाइस मैं लाइव प्रूफ इस वीडियो में आपको ये प्रॉब्लम फिक्स करके बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है प्लीज गाइस। मेरा रिक्वेस्ट है, आप बोलोगे कि ये वीडियो फेक है, हमने पहले ऐसे वीडियो देखे हुए है, बट गाइस आप यकीन कीजिए गाइस आप ट्रस्ट नहीं करते गाइस। प्लीज पूरा वीडियो देखो गाइस, स्किप करते नहीं देखना गाइस, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा और आप बोलोगे कि यह वीडियो फेक है। गाइस पूरा देखो गाइस, ध्यान से देखो और अपने स्मार्टफोन में उसको इम्प्लीमेंट करो। सबसे पहले गाइस आपको अपना सेटिंग ओपन करना है, उसके बाद सेटिंग के सर्च बार में सर्च करना है एप्स, उतना सर्च करोगे तो आपके सामने एप्स का फोल्डर आ जाएगा, तो सिंपली एप्स के फोल्डर पे टैप करना है। उसके बाद आपको एप्स में सर्च करना है जो भी गेम में आपको प्रॉब्लम हो, जैसे कि फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स, दोनों में से कोई भी, जैसे कि मेरे में फ्री फायर मैक्स में है तो मैं फ्री फायर मैक्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नीचे में स्टोरेज का ऑप्शन शो हो रहा है तो उस पर चले जाना है गाइस आपको, और उसके बाद सिंपली गाइस दो ऑप्शन आएगा, क्लियर डाटा क्लियर कैचे, तो सिंपली आपको क्लियर कैचे कर देना है। उसके बाद आपको बैक चले जाना है, फिर से आपको सेटिंग ओपन करना है और सेटिंग के सर्च बार में सर्च करना है प्राइवेट डीएनएस, उतना सर्च करोगे तो आपके सामने प्राइवेट डीएनएस आ जाएगा, तो सिंपली प्राइवेट डीएनएस के अंदर ऑप्शन सर्च करोगे तो आपको प्राइवेट डीएनएस के क्लिक करना आ जाएगा, तो सिंपली प्राइवेट डीएनएस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे में तीन ऑप्शन शो हो गए, तो सिंपली आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके गूगल dns.google.com इतना लिख के सेव कर देना है आपको। उसके बाद सेटिंग हो जाने के बाद सबसे पहले गाइस आप फिर से अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सिंपली प्ले स्टोर के सर्च बार में सर्च करना है क्विक वीपीएन, इतना सर्च करने के बाद आपके सामने प्ले स्टोर में क्विक वीपीएन आ जाएगा। क्विक वीपीएन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के देखो गाइस मेरे में है तो मैं ओपन बता रहा है गाइस, तो सिंपली गाइस आपको उसको अपने स्मार्टफोन में ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे में सर्वर दिख रहे होंगे, देखो सा गाइस यहाँ पे बहुत सारे सर्वर है, क्विक वीपीएन हो जाने के बाद बहुत सारे सर्वर आ जाते हैं, तो सिंपली गाइस आपको क्विक वीपीएन को सिंगापुर में कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस आपके सामने एक ऐड आ जाएगा, गाइस मेरे में भी आ गया देखो गाइस, तो सिंपली गाइस आपको इस ऐड को देख लेना है एक बार, के बाद आपके सामने क्विक वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप गाइस गेम ओपन करके देखना गाइस 100% वर्किंग ट्रिक के साथ चलेगा गाइस, ये सेफ और बेस्ट वीपीएन है गाइस। इस गाइस इस ट्रिक को यूज करना और अपने स्मार्टफोन में ना गेम चल जाएगा गाइस। देखो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं गाइस, मेरा गेम चल जाएगा देखो गाइस।